चार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे, कहने को यूं लगता है कि एक शहर की सफाई व्यवस्था से हमारा क्या लेना देना, लेकिन मैं यहां व्यवस्था का एक सैंपल दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि देश के केवल एक बात हम बात करें जयपुर जैसे महानगर की, केवल जयपुर की नहीं है, कहीं चले जाइए आप किस तरह की मनमर्जी चलती है और जनता के प्रति क्या जवाबदेही है। अगर कहीं किसी निगम या किसी नगर परिषद या पालिका या महानगर पालिका वहां अगर बोर्ड बनाया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी, उन पालिका के क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले काम से जनता को इस तरह से ये कहें कि जिस बोर्ड को बदला है वहां व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएंगी, ये उम्मीद करती है जनता, तभी विकल्प के रूप में दूसरे बोर्ड को बैठाया जाता है। हम इनके टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी अगर सड़कों में गड्ढे और उनकी वजह से एक्सीडेंट और उसमें जान जा रही हो, आवारा पशु किसी को भी सींग में डाल करके दूसरे तरफ डाल देते हो, कुत्ते किसी को काट लें, बंदर किसी को नोच लें, और सफाई के तो कहने ही क्या, जिसको ठेका दिया जाता है वो सिर्फ इस वजह से आपके कॉलोनी का कचरा नहीं उठाता है कि साहब मेरे बिल पास नहीं हो रहे, जिनके हाथ में बिल पास करने की ताकत है वो कहते हैं कि कंपनी काम नहीं कर रही और जनता भटक रही है, किस तरह की हालत बन रही है। बारिश का टाइम, मैसेज हम ये देते हैं कि सफाई व्यवस्था को रखिए, सफाई नहीं रखेंगे तो आप मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हमारी स्थितियां होती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आखिर ये व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं हो पाती है। मैं आपको वो बांध दिखाना चाहूंगा कि आज जयपुर में बैठे जो लोग हैं या जयपुर सहित राजस्थान के निकाय क्षेत्र में जहां पे जो लोग बैठे हैं उनके टैक्स की बताता हूं। शहरी विकास कर देना होता है उनको, लीज कर देना होता है, सीवरेज कर देना होता है, सफाई शुल्क देना होता है, मकान निर्माण शुल्क देना होता है, और पता नहीं कितने टैक्स और होते होंगे। ये टैक्स आपको जेब से देना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि टैक्स पेयर्स के पैसे को यूं नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी टैक्स पेयर हैं। अगर आप चाय के का प्याला अगर कहीं पीने जाते हैं जहां पे सिस्टम में है जीएसटी और सीएसटी, वो आप टैक्स दे रहे हैं, फिर ये नहीं कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल कर रहा है मोटा टैक्स दे रहा है वही टैक्स पेयर है, बिल्कुल नहीं है। टैक्स एक भिखारी भी दे रहा है, वो जो माचिस की डिब्बी खरीद रहा है वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स दे रहा है उसका। लेकिन स्थितियां कब सुधरेंगी? और हमने विशेष गुजारिश की थी आज जो सिस्टम से सीधे जुड़े हुए हैं, मनोज मुदगल साहब, हेरिटेज नगर निगम से सीनियर पार्षद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं जयपुर शहर के, मनीष पारिक साहब सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, खुद सिस्टम से जुड़े हुए हैं, पार्षद पहले पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा शहर की उस तकलीफ को, मैं दूसरे मुद्दे भी ले सकता था, देश की राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे हमारी टीम ने लगभग 164 लोगों से बात की है। उन लोगों ने कहा कि आप इतनी बातें उठाते रहते हैं, आपको सफाई दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली बैठे हैं, 17 कॉलोनियों में जाकर के आए हैं, और इनसे जिस तरह से लोगों ने कहा भी, सर लोग एग्रेसिव बहुत हो रहे हैं कि ये मुद्दे उठाते हो आप, वो मुद्दे उठाते हो, आप लोगों को सफाई नहीं दिखाई देती, आप लोग ऐसे गली गली घूम के लेकर के जाते हो और उसके बाद में नेताओं के बोझ के नीचे आप लोग भी दब जाते हैं, ये हम पे कमेंट्स थे। हम जैसे चैनल वाले और भी मीडिया वाले बहुत सारे लोग होंगे जो बीच बीच में तस्वीरें दिखाते हैं, और निश्चित रूप से आप लोग पार्षद हैं, आपको भी ये तस्वीरों से दो चार होना पड़ता होगा। मुद्गल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, 164 पीपल से हम लोगों ने बात की है, उन लोगों की विशेष ये मतलब कहूं कि प्रेशर था कि आप लोग बुलाइए और बात करिए ताकि हम लोग भी सुनना तो चाहें कि लोग सोच क्या रहे हैं सफाई के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों की आवाज पर आप? देखिए निश्चित रूप से योगेंद्र जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम रहा है कि बीबीजी कंपनी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है और आम जनता तरफ है। हम भी मन से विचलित है कि बीबीजी कंपनी की हड़ताल की वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं, जगह जगह आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये परेशानी क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है कि निगम के पास आमदनी के सोर्सेस नहीं है। पिछले 1.5-2 वर्षों में कोरोना काल के टाइम में ना यूटी टैक्स आ रहा है, ना हाउस टैक्स आ रहा है, ना अदर सोर्सेज से कोई टैक्स आ रहा है, और जो रेवेन्यू हमारे पास और अन्य रूप से आती थी, चाहे वो मैरिज गार्डन की रेवेन्यू थी या अन्य कोई हमारे पास की रेवेन्यू थी, वो भी सारी रेवेन्यू हमारी खत्म हो गई है। और इसकी वजह से
समय से भुगतान नहीं होना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि समय से भुगतान नगर निगम नहीं कर पा रहा। इधर विकास कार्य भी करवाने जरूरी है, क्योंकि चाहे नाला सफाई हो, चाहे सड़कों का निर्माण कार्य हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो, चाहे गार्डन के कार्य हो, वो भी करवाने जरूरी है। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से योगेंद्र जी ये काफी बड़ी दिक्कत आई है और इसको सरकार पूरी मुस्तैदी से लग रही है। और आज इस पे सरकार को सफलता भी मिली है और हड़ताल वापसी भी बीबीसी ने किया, सरकार से समझौता हुआ है कि शीघ्र इनको एक दो दिन में कुछ भुगतान इनको दे करके और काम को तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर, कल से सुबह से बीबीसी कंपनी और हमारे जो सफाई कर्मचारी है ये सारे ड्यूटी पे आ जाएंगे, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए एक राहत की खबर दे सकते हैं कि जिन लोगों की पीड़ा थी और जिन्होंने जाहिर की पीड़ा, उनके लिए भी मनोज मुदगल साहब ने कहूंगा कि खुशखबरी कह सकते हैं इसको। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं देखिए जयपुर शहर आप लोगों का है, प्रदेश सब लोगों का है, देश सब लोगों का है, हम सब लोग कहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर बॉल उछालें। अभी अगर मनोज मुदगल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दाएं बाएं नहीं हुए, मूल मुद्दे पे इन्होंने अपनी बात कही है। ये कहते तो 4 साल पहले उनके कुकर थे, ये जो मैं 4 दिन से सुन रहा हूं लोगों की बातें, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करना चाहूंगा कि आप टू द पॉइंट बात करेंगे इस सफाई व्यवस्था पे। आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि हाँ, वो जो जयपुर के लोगों के गले उतर सके। मनीष जी म्यूट किया हुआ है, आपका सिस्टम म्यूट है सर, इसे अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए सर। जी मनीष जी, मैं ये जानता हूं कि जो 2 टुकड़े किए नगर निगम के, उसकी तैयारी नहीं थी इनके पास, तो वार्ड छोटे करके चुनाव जीतना अलग बात है और इसको ईमानदारी से चलाना अलग बात है, बल्कि ये फंस गए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी फंस गई है, ये जो सफाई और ये जो जनता का काम है बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मेयर तो बना लिया जैसे तैसे करके, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये चुनाव हारने का कारण बनेगा। आप देखिए कि गलियों की सफाई नहीं हुई है, बीजेपी का नाम लेते, लेकिन सर ग्रेटर में तो संभाल थे, ग्रेटर में तो आप लोगों का बोर्ड है, ग्रेटर में तो करते कुछ, ताकि उसका एक मैसेज जाता है कि आप लोगों को हेरिटेज में भी वैसे ही करिए जो ग्रेटर कर रहा है। दोनों बातें हैं, जैसे कि जो घर घर से कचरा संग्रहण का काम है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, इससे ब्रिक्स बनाने का काम है, और इससे ही जो ऊर्जा बनाने की बात है, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कर रखे हैं। लांगड़ी आवास का हो, चाहे आप वो देखोगे वहां पर मनीष जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, किसी के फोड़े का दर्द हो रहा है बहुत जबरदस्त, आप उसे कहानी किससे सुना रहे हैं महाभारत के जमाने के, मैं ये नहीं जानना चाह रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो लोग उसके गुजार नहीं सर नहीं आप सर नहीं आ रहे, आप दाएं बाएं मत भागिए, मैं कल सफाई की बात पर जानना चाह रहा हूँ, सफाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, बहुत ज्यादा कर दिए गए सर, जयपुर की जनता बनी पड़ी अभी तो, वही बोल रहा हूँ योगेंद्र जी, आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, आप स्टूडियो में चर्चा करते हैं तो अलग बात होती है, यहाँ सुनाई देता नहीं, कई लफड़े हैं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो कंपनी है उसे घर घर से कचरा संग्रहण का ठेका दे रखा है, तो भुगतान करेंगे जब काम करेगी ना वो, एक बात। ये सारे एमएलए नेतागिरी करेंगे वहां बैठ के, ये जो पहली बार के एमएलए बने हुए लोग हैं, इन्होंने जीना हराम कर दिया है, गंदी गली की सफाई होती नहीं है, उसके बाद में उसको हटा दिया, फिर कहते हैं नया ठेका करेंगे, आज तक ठेका हुआ नहीं है, बारिश आ गई है, सीवर लाइन का कचरा मलबा निकला नहीं है, मलबा का ठेकेदार अलग घूम रहा है, 3 तरह के सिस्टम खड़े कर दिए, समझ में आता नहीं है इनको, और उसके बाद में कहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं। अरे चाहने से कुछ नहीं होता, एक सिस्टम है योगेंद्र जी, उस सिस्टम को तो बनाना पड़ेगा ना, तो महापौर को अकेली पटक दो आप और उसके बाद में कुछ नहीं होता। ये एमएलए यहाँ पे केवल दुकान बनाना तोड़ाने में लगे हुए हैं, इनके सबके ये कमाइयां हो रही है सब जानते हैं, भुगतान नहीं करते उसको, और जो कचरा उठाने की बात है, गंदी गली साफ करने की बात है, मलबा निकालने की बात है, वो 3 काम अगर नहीं करेंगे तो सफाई कैसे होगी, अगर ऊपर आना चाहिए। मनीष जी, मनीष जी, इसके लिए केवल कांग्रेस दोषी है। हाँ और क्या, हमारे मनोज जी आपसे जवाब चाहूंगा मैं, समय कम है, लेकिन मनीष जी ने जवाब सुनिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं किसी पे रोक पड़ता हूँ,
मैं सबसे पहले जयपुर की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि उनको चार दिन से काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आम जन को कचरा बाहर फेंकने को मजबूर होना पड़ा, जबकि सरकार की हमारी जिम्मेदारी है कि हम डोर टू डोर कचरे की उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बातों में ना जा करके मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम इन बातों में जाएंगे तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। हमारी मेन हमारा मेन मुद्दा है कि जनता की सेवा करना, जनता की सेवा के साथ आगे चलना। अगर जनता ने हमको मौका दिया काम करने का तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता की सेवा बिल्कुल तन मन से करें। ये अलग बात है कि हम उनका काम नहीं कर पा रहे। मैं मनीष जी की बात को काटता नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ मनीष जी, ये बिजली जी कंपनी का पेमेंट नहीं होना चाहे ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक जिम्मेवार पद पे रहे हुए हैं, उप महापौर रहे हुए हैं, वर्तमान में पार्षद हैं। इसका समाधान हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीवीजी कंपनी है ये आपके द्वारा ही लाई गई है, भाजपा के राज में आई थी। सफाई समिति बनाओ, चक्रों में समिति बनाओ, मुझसे हम हटा नहीं पाए क्योंकि ग्रेटर में भ्रष्टाचार की बू आने लग गई। 20 करोड़ रुपए का दलालियों की बातें होने लग गई। ये कंपनी को जयपुर की जनता को अश्योर करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए। योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में जुड़े हैं। योगेंद्र, क्या आम जनता भरोसा कर पाए तमाम चीजों का, जो उनका साफ कहना है, जो हम रिपोर्ट हमें दे रहे हैं उसमें कि टैक्स देते हैं लेकिन सफाई के लिए अगर हमें भटकना पड़े तो क्या फायदा है इस सिस्टम का, निगम बंद कर देने चाहिए? देखियो, उद्देश्य तो सबने देखा, मनीष जी बता रहे थे कि जयपुर को दो भागों में बांट दिया गया। उद्देश्य ये था कि यहाँ आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और उसके आवाज से उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिले जनता को, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आए दिन ये किसी ने देखा है कि दिसंबर में जब दोनों नगर निगम बने उसके बाद से ही सफाई को लेकर आए दिन हड़ताल हो जाती है, शहर गंदगी में तब्दील हो जाता है, यहाँ तक कि पोस्ट कॉलोनीज है वहां पर भी। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 5,000 के आस चीज को समझा पाएंगे कि किस तरह से इतने कर्मचारी होने के बावजूद भी केवल बीवीजी पे सारा धर्मदार। बीवीजी हालांकि विवादों में शुरू से रही है लेकिन इसका जो ठेका दिया गया था वो बीजेपी काल में दिया गया था बीजेपी कंपनी को, उसके बावजूद भी इन पर ना अब तक कोई बड़ी पेनल्टी लग नहीं पाई है। इनको ब्लैकलिस्टेड करने की कई बार बात उठी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आम जनता तो ये कह रही है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें सफाई चाहिए, क्योंकि सीवरेज और जो यहाँ पर सफाई के बिल है वो पानी और बिजली के बिलों में ऐड होकर आ रहे हैं। योगेंद्र, समय का कम है, समय कम है। मैं अगर जैसे मुद्गल साहब ने कहा है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और समझौता हो गया है, अगर अच्छी बात अगर होता है तो नहीं, हम जरूर दर्शकों के बीच वापस वहां ग्राउंड रियलिटी के साथ में जाना चाहेंगे। मैं समय कम है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, लेकिन बड़ी रोचक बातें हैं। बीवीजी कंपनियों को निगम अपने संसाधन दे देते हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल पा रहा, जब इच्छा हो। ये खेल कुछ अलग भी है, और ये भी आरोप लगते रहते हैं कि घुसखोरी चरम पे है, वहां पे पैसे दो काम कराओ, ये करो वो करो, सबके मजे हो रहे हैं लेकिन शहर गंदगी में डूब रहा है। गंदगी के साइड इफेक्ट हैं, बीमार तो होते ही हैं, आवारा पशु आवारा जानवर उसी तरह से घूमते हैं जो आपके लिए मौत का कारण भी बन सकते हैं। गुजारिश की जा सकती है उस जयपुर की जनता की, उस आवाम की आवाज को आप लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कलम में ताकत है क्योंकि आपके वार्ड से आपको जिता करके भेजा है कि आप उन लोगों के सपनों को ये कहें कि साकार करेंगे, आप उन्हें डूबने नहीं देंगे और जो गंदगी का आलम है उसे जरूर दुरुस्त करेंगे। शुक्रिया आप सभी का, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।